दुर्गा सप्तशती में कुछ लोगों के पास दिव्य नेत्र होते थे। अब बाबा को भी उस तपस्या में दिव्य नेत्र आ गया है कि उनको देवी देवताओं और असुरों का परख होने लगा है, तब तो हम भी उनके पास अष्टांग है। तो इसको लेकर के तो है ही नहीं, उनका कुछ तो बचे नहीं, क्या पड़ेगा बिहार में, क्या है बिहार में, कुछ मिलेगा थोड़ी, हासिल थोड़ी कुछ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको लेकर भाजपा लगातार नीतीश कुमार और आरजेडी पर हमलावर देखते हैं। खास करके जिस तरीके से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया संपन्न हुई है, उसके बाद से भाजपा की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि काफ़ी इसमें अनियमितता और धांधली बरती गई। इसके अलावा भाजपा के नेता लगातार बोल रहे हैं कि यही नीतीश कुमार की हड़बड़ी और आरजेडी की जो घोटाला और पिछले दरवाजे का जो काम है, महिषासुर की तरह जो है इन्हें समुद्र में विलीन कर दिया जाएगा, यानी समुद्र में डुबो दिया जाएगा। इस पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार के खास मंत्री अशोक चौधरी ने साफ साफ कहा है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग पहले से तैयार हैं, आपका कुछ चलने वाला यहाँ नहीं है, आप जो कुछ बोलना है बोलते रहिए। जरा सुनिए अशोक चौधरी किस अंदाज में बोल रहे हैं कि बिहार में कुछ हिलने डोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसको लेकर के तो है ही नहीं, उनका कुछ तो बचे नहीं, क्या पड़ेगा बिहार में, क्या है बिहार में, कुछ मिलेगा थोड़ी, हासिल थोड़ी कुछ होगा। लेकिन जिस प्रकार से एक मंच से मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि जो नियोजन हुआ है वो केवल राज्य सरकार मतलब सरकार का है, ना किसी पार्टी का है, इसको लेकर मतलब पार्टी में है क्या कुछ? क्यों पार्टी में, सरकार का ही निर्णय होता है ना, पार्टी का तो निर्णय होता है, सरकार अलग चीज है, पार्टी अलग। आरजेडी ने ट्विटर हैंडल से उसको मतलब बताया है, क्रेडिट लेने को लेकर होल मची हुई है। नहीं नहीं, हम भी कमिटेड हैं, आरजेडी भी कमिटेड है, फाइनली वो हुआ है। नहीं नहीं, हम लोग तो कोई पोस्टर वाला नहीं दिखे, आप ही लोग को दिख रहा होगा पोर्टल। देखिए, जब से पोर्टल की व्यवस्था हुई है तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी बढ़ गई है, क्योंकि 24 घंटा इनको चलाना है, इनको YouTube पर 24 घंटा रहना है, इनका व्यूअर देना है, तो जब तक आप कंट्रोवर्सी दिखाइएगा नहीं तब तक वो पोर्टल चलेगा कैसे? तो आपकी भी अपनी समस्या है, हम लोगों की भी अपनी समस्या है। असुरों का गठबंधन है, असुरी शक्ति है मिली हुई है, आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में चल जाएंगे। अब है कि बाबा के पास दिव्य आंख है, हम लोग जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, अभी नवरात्र खत्म हुआ है, तो दुर्गा सप्तशती में कुछ लोगों के पास दिव्य नेत्र होते थे। अब बाबा को भी उस तपस्या में दिव्य नेत्र आ गया है कि उनको देवी देवताओं और असुरों का परख होने लगा है, तब तो हम भी उनके पास साष्टांग है। ऐसे दिव्य नेत्र के व्यक्तित्व को हम भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्या डिस्प्यूट है? धर्म को आप बढ़ाने का काम करिए, धर्म के प्रति सम्मान दीजिए, धर्म के प्रति आप अपना प्रेम दिखाइए, वो तो अपनाने का हर एक कोई अलग अलग है, हर एक का अपना धर्म है, अपने धर्म को। लेकिन जो राजनीतिक मुद्दे जिससे जनता ने आपको बहुमत दिया था, उनका क्या हुआ, हम तो ये पूछ रहे हैं। सर एक सवाल है जिस पर, तो अभी आपने नीतीश के खास मंत्री अशोक चौधरी को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे, किस तरीके से उन्होंने कहा है कि बिहार में कहीं कुछ आगे पीछे होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, हम लोग पहले से ही तैयार हैं, क्रेडिट लेने की सवाल हो या फिर धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की बात हो या धर्म के नाम पर समाज में जो है दुश्मनी या वैमनस्यता की सवाल हो या इस तरह के नफरत फैलाने की बात हो, हम लोग पहले से तैयार हैं, सब कुछ सेट करके रखे हैं, कुछ होने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। आप अपनी राय क्या रखते हैं अशोक चौधरी के इस बयान के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर पहुँचाइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।